डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिडकैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकर्स, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 12 से 16 फरवरी 2024 के लिए। ये समरी है फ्राइडे की, जिसमें दो या तीन ही ट्रेड लिए थे। मिड कैप हमने सही पकड़े थे, 18 रुपये में लिए थे, वो 66 में बिकवाए, ऊपर तो 85 से 90 तक गया। हम लोग का टारगेट 77 तक था। बैंक निफ्टी 77 में दिए थे, वो 30 में कट गया। 44 ईयर का पुट दिए थे लेकिन वो उल्टा चला। निफ्टी 21300 का 40 रुपये में दिया था, 33 का स्टॉप लॉस दिया था, वो भी कट गया। और जो BTST हम लोग लेके गए थे, वो सुबह मैंने बोल दिया था 41 का स्टॉप लॉस लगा देना, डे लो का स्टॉप लॉस लगा देना, तो 35 का लो था, तो वो सुबह 33.5 बनाया। वहाँ से फिर 73 बिका, 73 वाला फिर 40 हुआ, 40 वाला 50-60 में चल रहा था, तो वो भी स्टॉप लॉस कट गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1193 रुपये जमा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी कैरी फॉरवर्ड चल रहा है 42 ईयर का पुट, तो उसका प्लस में से माइनस हुआ, तो वो सब लेस करके 1193 है। अभी एक ही पोजीशन खड़ी है 42 ईयर का पुट, 127.60 रुपये क्लोजिंग भाव से। और इस पूरे हफ्ते में हम लोग ने 5034 रुपया सिर्फ जमा किए, और ये दो वीक का मिला के 26090 यानी 26100 रुपये जमा हुए हैं। अब आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और आने वाला सप्ताह में देखिए, इस सप्ताह में 400 निफ्टी में 450 निफ्टी में 5 दिन निकाल दिए। रेंज बाउंड में ना ऊपर उसको जाना है, ना नीचे भी उसको तोड़ना है घर। रेंज बाउंड में कॉल पुट के ऑप्शन खा रहे हैं वो लोग, मजा रुपया उसी में बना रहे हैं। ये ऊपर 22000 के पास जाता है, वहाँ से धक्का लग रहा है बाजार को, नीचे आ जाता है 700 के पास, और 700 से फिर घूम लेता है। बैंक निफ्टी भी वही 200-300 पॉइंट में खेल रहा था, और RBI का जब आया जिस दिन, उस दिन ऊपर 200-300 ले गया, और वहाँ से फिर 1200 पॉइंट नीचे मार दिया। और शुक्रवार को देखिए तो फिर वो रिकवरी कर दिया 650 पॉइंट ऊपर। मेरे हिसाब से देखिए, अभी बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है एक बार 47000 तक, 46800-900 तक ले जाना चाहिए। सब रैली हो चुका, सब सेक्टर का हो चुका रैली, एक सेक्टर बाकी है, और वो सेक्टर क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा सेक्टर अभी चलना बाकी है। बस उसी के लिए बाज़ार रुका हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है करेक्शन आना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में, तब तक मैं बताऊँ उसके पहले आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अभी थोड़ा देरी में आपको बता रहा हूँ। और मंडे को भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा गैप अप होकर वापस प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए, आज FII ने इंडेक्स में बाई किया 3734 करोड़ का, और सेल किए 3078 करोड़ का, नेट बेसिस पे 657 करोड़ का बाई किए। और FII ने FNO स्टॉक्स में 2173 करोड़ का सेल किए, और कैश में 142 करोड़ का बाई किए, और DII ने 422 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है। डाटा शीट में क्लाइंट ने 12942 करोड़ इंडेक्स में सोल्ड किए हैं, तो नेट बेसिस अभी लॉन्ग है उनके 70641। DII ने 2509 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किया, तो वो अभी भी शॉर्ट में चल रहे 23941। FII ने भी बोथ किया 8907 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अभी शॉर्ट में चल रहे 83853 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने जरूर बाई किए 1526 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस अभी उनके लॉन्ग है 37153 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने शॉर्ट किया 239864 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी वो शॉर्ट में से लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए 19771 कॉन्ट्रैक्ट, छोटी क्वांटिटी है अभी। FII ने बोध किया 16314 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो भी लॉन्ग शॉर्ट से लॉन्ग में आ गए 1658 कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 1658। प्रो ने 223550 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पे वो भी शॉर्ट में थे एक दिन पहले, आज वो इंडेक्स कॉल में लॉन्ग में आ गए सिर्फ 18113 कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल।
इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 184,467 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो अभी भी उनके शॉर्ट बने हैं 256,884 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने भी 53,884 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे अब वो लॉन्ग में है इंडेक्स पुट में 106,783 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने भी सोल्ड किए 130,583 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी इंडेक्स पुट में अभी लॉन्ग में है 125,347 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो मंडे को लग रहा है अगर एशियन मार्केट सही रहा तो एक मार्केट गैप अप खुलना चाहिए और उसके बाद आधा घंटा सस्टेन होने के बाद एक ऊपर से करेक्शन आना चाहिए आधा एक घंटे के बाद। वीकली लेवल 12 से 16 फरवरी 2024 के लिए सेंसेक्स सपोर्ट बिलो 71,800 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 71,000 70,500, रेजिस्टेंस ऊपर 72,360 72,560। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। BSE PCR 0.64 मैं बनाता हूँ 0.90। वीकली लेवल 12 से 16 फरवरी 2024 के लिए बैंक के स्पॉट बिलो 51,615 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग 733 का दिया तो इसके ऊपर है तब तक ठीक है, सपोर्ट नीचे में 85,900 85,650, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 52,005 और 52,800 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। BSE PCR 0.93 है मैं बनाता हूँ 0.80। मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए बैंक के स्पोर्ट जहाँ बड़े हुआ 52,000 के पास बेच सकते हो, रजिस्ट्रेशन 52,125 का, सपोर्ट 51,500, मंडे को इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए बैंक कैश 51,700 का कॉल वीकली वाला बिलो, एक बिलो गलत लिखा गया, जहां डीप में मिले 110 के पास लीजिए, सपोर्ट 58 रुपया और 22 रुपया का रहेगा, अब जहां समझ में आवे लेकर खेल सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 370 और 475 तक जा सकता। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए बैंक कैश 52,000 का पुट वीकली वाला जहाँ घटे हुए 140 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने 3 दिए है, अगर 140 के पास लीजिए 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वो कट जाए तो 100 के पास 168 दो फिगर है वहाँ पर ले सकते हो, और वो दोनों कट जाए तो फिर लास्ट 38 के पास आप ट्राई कर सकते हो। वीकली लेवल 12 से 16 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,800 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 10,575 10,400, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 10,940 11,011, मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.88 मैं बनाता हूँ 1.07, अभी भी थोड़ा ओवरबोट में है थोड़ा सा। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,750 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 10,660 का, ऊपर में रिजन 10,850, मंडे को इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,800 का कॉल है वीकली वाला, इसमें भी मैंने बिलो लिखा है, डीप होना चाहिए, मैं करेक्शन करता हूँ, जहाँ घटे हुआ 12:30 के पास लीजिए, हीरो या जीरो ये रहेगा कॉल वालों के लिए, सपोर्ट 6,65 2,65, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 33 और दूसरा 53, अब ये पुट वाले के लिए हीरो जीरो। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,800 का पुट वीकली वाला जहाँ घटे हुआ 36 के पास लीजिए, दो मैंने सपोर्ट दिए 25 और 14, जहाँ समझ में आए ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 71 और 100 रुपया। वीकली लेवल 12 से 16 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 21,820 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 21,590 21,400, रजिस्टर ऊपर में 22,015 22,200 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.78 मैं बनाता हूँ 1। मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट जहाँ बड़े हुए 21,840 के पास बेचना चाहिए, रजिस्टर ऊपर में 21,910 का रखिए, सपोर्ट 21,738 और 21,675 तक आ सकता है। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 21,800 का कॉल है वीकली वाला जहां बड़े हुए 195 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 245 का रखिए, सपोर्ट 115 और 76 तक आ सकता। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 21,700 का पुट है वीकली वाला जहां घटे हुआ 72 से 57 का रेंज में लीजिए, सपोर्ट 34 का रखिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 145 का।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैंने जो दिया था बैंक निफ्टी का वो अब आएगा आपको कि कौन सा सेक्टर बाकी है। वीडियो में बने रहो आप। वीकली लेवल 12 से 16 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 20,250 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,925 19,725, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 19,500 19,735, मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिव मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके, मनी कंट्रोल PCR 0.72 मैं बनाता हूँ 0.90। मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट एबो 20,130 के ऊपर बाय जोन रहेगा, क्लोजिंग 20,200 का दिया है और रजिस्ट्रेशन नीचे में 20,050 और सपोर्ट ऊपर में 20,300। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,250 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 80 के 60 का रेंज में ले सकते हो, सपोर्ट 45 का लगा है, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 119 का। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 75.5 के पास लेना है, 52 का स्टॉप लॉस, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 131। ये बैंक निफ्टी के लेवल है और बैंक निफ्टी का जो सेक्टर नहीं चला है अब मैं वो आपको बताता हूँ। आप लोग ने कमेंट बॉक्स में लिखा नहीं होगा, मुझे अब श्योर पता है कि आप लोग को किसी ने भी नहीं लिखा होगा। अब वो सेक्टर नहीं चला है जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा और निफ्टी को भी उसके सहारे खींच के लेके जाएगा, क्यों? निफ्टी में सारे सेक्टर चल चुके हैं, बैंक निफ्टी में एक ही सेक्टर बाकी है और वो है प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, ये चार बैंक को चलना बाकी है। तो अब ये मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार 46,800 यानी 1,200 पॉइंट का अभी ऊपर बैंक निफ्टी को रैली करेगा और ये सेक्टर को चला के फिर वहाँ से एक करेक्शन आना चाहिए ज़ोर से, ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, शायद नहीं भी हो सकता है लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। तो सेक्टर है वो प्राइवेट बैंक, सिर्फ अब प्राइवेट बैंक चलना बाकी है, बाकी सारे सेक्टर चल चुके हैं बाज़ार में। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिव मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके, मनी कंट्रोल PCR 0.85 मैं बनाता हूँ 0.88। मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 45,950 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 46,200 का रखिए, सपोर्ट 45,100 का। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट 45,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 345 के पास लीजिए, सपोर्ट 310 का रखिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 474-540 तक जा सकता है, 345 के पास लेना 310 का स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत से लोग क्या है ना कि समझते नहीं है, वीडियो में देख लेते हैं फिर 345 उसले में नीचे और सपोर्ट का लेवल नहीं दिया वो लास्ट तक रखते हैं, ऐसा नहीं होता। 345 में लिया अगर आपको 100 पॉइंट मिलता है तो निकलो तुरंत, और 345 में लिया तो 310 का स्टॉप लॉस रख दो, उसलिए मैंने सपोर्ट दूसरा नहीं दिया है, क्यों परसों फ्राइडे को ऐसे ही हो गया, 45,500 का पुट लिया था उन्होंने और नहीं 45,000 का पुट लिया था, 260 रुपये में मेरे को फ़ोन में बात हुआ है, तो मैंने बोला 252 का स्टॉप लॉस लगा दो डेलो का, वहाँ से 370-380 बिका, मैंने बोला प्रॉफिट बुक कर लो 50%, उसने कुछ नहीं किया, 3 बजे मेरे को आके फ़ोन कर रहा है कि सर मैंने तो रखा है अभी चलेगा ना बाज़ार गिरेगा ना मंडे को, हम बोला ऐसे कैसे, हम तो आपको बोला था स्टॉप लॉस कि 350 का स्टॉप लॉस रखना है 250 का, और ऊपर 360-370 गया, मैंने आपको मैसेज भी दिया बुक 50% प्रॉफिट, और बैलेंस का तो ट्रेल का स्टॉप लॉस होता है, वो तो सबको पता है, मेरा सिस्टम ही ये है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए मैंने सपोर्ट दूसरा नहीं दिया है, 345 310 का स्टॉप लॉस बस, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 474-540। इंट्राडे मंडे 12 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 45,700 का पुट जहां घटे हुआ 135 के पास लीजिए, सपोर्ट 105-75 यानी 75 का आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा, और या तो 135 के पास लीजिए 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और फिर 105 के पास लीजिए 75 का स्टॉप लॉस लगा के, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 390 तक भी जा सकता है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।